कर्नाटक चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को मिली बम्पर जीत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार बैकफुट पर है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लगता है कि फिलहाल जनता की सहानुभूति उद्धव ठाकरे के खेमे के साथ में है। ऐसे में बीएमसी चुनाव को जल्द कराने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। उन्हें लगता है कि ऐसा हुआ तो बीएमसी में बड़ा नुकसान हो सकता है। अब तक ये कहा जा रहा था कि बीएमसी चुनाव आगामी अक्टूबर के महीने में कराए जा सकते हैं, हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि इन्हें अगले साल की शुरुआत में कराया जाएगा। इसके पीछे सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि शिंदे फडणवीस सरकार उद्धव ठाकरे के प्रति पैदा हुई सिंपैथी वेव के खत्म होने का इंतजार करेगी, साथ ही इस बात का भी इंतजार करेगी कि महाविकास अघाड़ी में कुछ दरारें पैदा हो। एकनाथ शिंदे गुट के एक नेता की माने तो बीजेपी भी बीएमसी चुनाव कराने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, इसलिए अब यह चुनाव अगले कुछ महीने में होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जिस तरह से तत्कालीन राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, साथ ही शिंदे सेना के भी भारत गोगावले की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं, वो शिंदे खेमे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र की 23 महानगरपालिका और 26 जिला परिषद में होने वाले चुनाव फिलहाल होने के इंतजार में हैं। बीते 2 साल में इन जगहों पर प्रशासक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इन चुनावों के संदर्भ में दर्जनों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। कई जगहों पर याचिकाओं की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश उद्धव ठाकरे गुट को नई ऊर्जा मिली है। महाविकास अघाड़ी के संयोजक शरद पवार के घर पर तीनों दलों की बैठक हुई। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठजोड़ के सामने शिंदे फडणवीस सरकार के पास स्थानीय निकाय चुनाव को आगे बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी के करारी हार के बाद रविवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला ये हुआ कि महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव, लोकल बॉडी और लोकसभा चुनाव को एक साथ मिलकर लड़ेगी। इसी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के भी शुरुआती दौर पर चर्चा हो गई है। बैठक के बाद कहा गया कि सहमति बन गई है, राज्य में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव तीनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद एमबीए कार्यकर्ता उत्साहित तो हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोगों तक कैसे पहुंचा इस पर चर्चा हुई है। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा, पार्टी में अब किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है। अगर कर्नाटक में 40% करप्शन है तो महाराष्ट्र में 100% करप्शन है और इसमें सरकार सीधे सीधे इन्वॉल्व है। एमबीए गठबंधन के नेताओं ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के मुंबई स्थित आवास सिल्वर ओक पर बैठक की। इसमें उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, सुप्रिया सुले, अजीत पवार समेत कई बड़े चेहरे शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विशेष रूप से चर्चा हुई। संजय राव ने कहा कि एमबीए में कोई मतभेद नहीं बचा है और इस बैठक को इसीलिए आयोजित किया गया था कि जो रही सही मतभेद की बातें हों उसको भी खत्म कर दिया जाए। कर्नाटक में कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की जीत हुई है, इसका असर महाराष्ट्र पर भी देखने को पड़ेगा। राउत ने कहा कि कर्नाटक की जीत महाराष्ट्र को भी दोहराएगा। जयंत पाटिल ने कहा कि एमबीए के नेता राज्य के अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा कर एमबीए को और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कर्नाटक चुनाव का परिणाम इस बैठक में विश्लेषित किया गया। 16 विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी चर्चा हुई। आगे क्या होने की संभावना इस पर भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को दी गई जिम्मेदारी की भी समीक्षा की गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी और मोदी शाह के खिलाफ कर्नाटक के लोगों ने अपना गुस्सा वोटों के जरिए जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी की संयुक्त जनसभा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि अगली सभा पुणे में होगी और पुणे में होने वाली बैठक में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि नए मुख्यमंत्री के इन्वॉल्वमेंट के साथ साफ हो जाएगा कि महाविकास अघाड़ी अब एक बार फिर से विपक्षी एकता को पूरी तरीके से एकजुट करने में जुट गया है। वीडियो डेस कमर उजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से